क्या बोला तूने? मौत हो गया सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों तमाशा कर रहे हो? मैं तमाशा बना रहा हूँ? हम देख लेते ना, संभाल लेते, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? हर बार कोई नया तमाशा क्यों बनाते हो? हमें शांति से क्यों नहीं जीने देते? हर मामले में दखल देने का क्या हक है तुम्हारा? लगते क्यों हमारे थे? गंगा? हाँ गंगा, वो तो हमारे पीछे पड़ी है, हम कहीं भी जाते हैं तो पहुंच जाती है, घर में, घर के बाहर, रेस्टोरेंट में भी मैं अकेले नहीं छोड़ती वो। आजकल क्या अगर गंगा इसके लिए सब कुछ है तो मुझसे क्यों शादी की? तो मैं जवाब लेके रहूंगी कि मेरी क्या हैसियत है और क्या चाहती है ये। जानवी, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? गंगा, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? आई नो, आज तुम जानबूझ के उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां हम जाने वाले थे। क्या चाहती क्या हो तुम? हस्बैंड वाइफ को खुशी खुशी जीने क्यों नहीं देती? जानवी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। गंगा को कैसे पता चलता कि तुम और सागर उसी रेस्टोरेंट में आने वाले हो? ये बस एक इत्तेफाक है। प्लीज सुप्रिया भाभी, आप गंगा की तरफदारी मत कीजिए। She's overly smart. अब तो मान जाओ गंगा कि सागर अब तुम्हारा नहीं रहा। सागर की शादी हुई मुझसे, अब वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और कॉज से हमें अकेला छोड़ दो, मेरे हस्बैंड का पीछा करना छोड़ दो तुम। जानवी, चिल्लाओ मत। क्या चाहती हो तुम? बोलो, बोलती क्यों नहीं? जानवी, तुम आओ, मैं सागर से बात करती हूँ। आ जाओ इधर, एक मिनट भाऊजी। जानवी, तुम भी एक बात जितनी जल्दी समझ लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हाँ, हम सागर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे पति से हमने कभी प्यार नहीं किया और ना ही करेंगे। सागर को हमने हमेशा के लिए अपना बनाना चाहा था, लेकिन तुम्हारे पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जानवी, हम तो कब का तुम दोनों को अकेला छोड़ चुके, तुम दोनों भी हमें हमारे हाल पे छोड़ दोगे तो अच्छा होगा। ये बात तुम कह रही हो? तुम हमारी बात मत करो, अपनी बात करो। जानवी, तुमने सोचा था कि सागर को छीन कर तुम्हें उसका साथ, उसका प्यार मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये कि तुम दोनों साथ होकर भी साथ नहीं हो। और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। हाउ डेयर यू गंगा, ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सागर मेरा है और मेरा ही रहेगा। चलती हो तुम मुझसे क्योंकि सागर को हासिल नहीं कर पाए। तुम जैसी लड़कियों को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सागर जैसे पैसे वाले बड़ी फैमिली के लड़के को फंसाना चाहती थी ना, क्या तो सिर्फ नाटक था तुम्हारा। असल में तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और कुछ नहीं। रियली सर, कि तुम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के सब लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं। कहीं और क्यों नहीं चली जाती तुम? हाँ, किसी और को अपने जान में फंसाने की कोशिश करो। जानवी, क्या बोल रही हो? गंगा के बारे में फिर ऐसी बात नहीं बोलोगी तुम? एक रिलेशनशिप में एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है जिसे तुम क्रॉस कर रही हो। जानवी, मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ? अब तुम दोनों क्या कर रहे हो? शादी तुमने मुझसे की और फर्स्ट टाइम किसी और के दरवाजे में पहुंच गए। क्या समझू मैं? हाँ, कैसे एक्सेप्ट करूं मैं इस बात को? ऐसी गिरी हुई सड़क छाप लड़की के साथ क्या रिश्ता हो सकता है तुम्हारा? मिस्ट्रेस है ना वो तुम्हारी? चुप हो जाओ जानवी।
एक और शब्द नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। जानवी ये मत भूलो कि अगर एक पेपर पर सिग्नेचर करने से हमारी शादी हो सकती है तो वहीं दूसरे पेपर पर सिग्नेचर करने से ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। बड़ी फैमिली के लड़के को फंसाना चाहती थी ना, क्योंकि यहाँ के सब लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं। किसी और को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो। शंख के शोर में कितनी आवाजों को दबाओगे गंगा, और कब तक? जब तक हो सकेगा भाभी, उन सारी आवाजों को जो हमें चैन से जीने नहीं देती, वो अपमान, वो तिरस्कार, वो ताने, उन्हें सुनकर भी अनसुना करना है हमने। कोई कितनी भी कोशिश कर लेना, हमें हमारे रास्ते से हिला नहीं सकता। गंगा तो बहने का नाम है ना, और ये गंगा भी सारी रुकावटों को तोड़कर आगे बहती जाएगी, अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेगी। जानती हूँ, मेरी गंगा के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बेमानी है। रास्ते थक सकते हैं, लेकिन मेरी गंगा कभी नहीं। एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, तुम्हें अपनी इंटर्नशिप का इंतजाम जल्द से जल्द करना चाहिए। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने शर्त रखी थी ना कि अगर यहाँ रहोगी तो घर का किराया जरूर दोगी। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही हो ना, तुम बहुत अच्छी हो। काश घर के बाकी लोग भी हमारे आत्मसम्मान को उतना ही समझ पाते जितना इतने कम समय में तुमने समझ लिया। माधवी, मैं स्टडी में हूँ, चाय वहीं दे देना। जी। सागर यहाँ क्यों सो रहा है? देर तक काम कर रहा होगा, आंख लग गई तो सो गया होगा। नहीं माधवी, बात कुछ और ही है। तुम छुपा रही हो मुझसे, मैं जानता था। गुस्से और जल्दबाजी में सागर ने शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जानवी के साथ इस रिश्ते को निभा पाना आसान नहीं होगा उसके लिए। और ये बात मैंने उस रात भी कही थी तुमसे, जब सागर गंगा के पास गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे सागर को गंगा से अलग नहीं करना चाहिए था, शायद इसी में सबकी भलाई। शायद, अगर मगर, ये शब्द आपकी ज़बान पे क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे ना, जो करते थे पूरे विश्वास से करते थे। अपने बच्चों को इस तरह से टूटते बिखरते देखना बहुत मुश्किल होता है माधवी। मुझ पे विश्वास नहीं है आपको? मैंने कहा ना आपसे कि मैं अपने बेटे की जिंदगी ऐसे बिखरने नहीं दूंगी। उसे जानवी के साथ कोई भी मजाक या खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। शादी की है सागर ने जानवी से, कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा, सब कुछ समय पर छोड़ने के बजाय। अपने बेटे की जीवन की डोर अब मैं अपने हाथों में लूंगी।
आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया वो नौकरी के एड्स देखना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज दे दो और रोजगार समाचार। ओहो क्या बात है, इंग्लिश और हिंदी मिला के सारे जॉब आज ही ढूंढ लोगी? अरे अभी तो तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद जॉब ढूंढ लेना। जॉब नहीं मिली भैया तो इंटर्नशिप कर लेंगे, आजकल तो इंटर्नशिप मिलनी भी इजी नहीं है। थैंक यू। वो भी चल गंगा, तुम भी ना पागल हो एकदम। सच में बोल के भैया, तुमने देखा नहीं है फिल्मों में लोगों के जूते चप्पल के जाते नौकरी ढूंढते लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, इतना मुश्किल होता है। अच्छा बहुत फिल्मी हो गई है आजकल। सच में पुलकित भैया, ये इंटर्नशिप बहुत जरूरी है हमारे लिए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा, खुद हमारे लिए बहुत जरूरी है ये। गंगा कुछ और भी साबित करने की जरूरत है तुम्हें गंगा, इतनी सी थी तब से उस घर में बहुत लाड प्यार से पाला मैंने तुम्हें, तुम उस काबिल थी, साबित करना होगा तुम्हें, तुम्हारे बाबू तुम्हें उस घर में लेकर आए वो गलत नहीं थे, ये भी साबित करना होगा तुम्हें। मैंने, अम्मा जी ने, सागर के पापा ने लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया तुम, उस कर्ज को चुकाने के काबिल हो ये भी साबित करना होगा तुम्हें। बोलो कर पाओगे ये सब साबित? आप कहना क्या चाहते हैं? बोलो गंगा कर पाओगे साबित? हाँ भौजी, हम कर लेंगे, बहुत अच्छा किया तुमने कि अपने उपकारों का हिसाब मांग लिया हमसे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे एक एक उपकार का कर्ज चुकाएंगे हम, चाहे जितनी बड़ी कीमत क्यों ना हो। सच कह रही हो ना, अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगी? नहीं गंगा, कोई भी प्रॉमिस करने से पहले इनसे पूछ लो आखिर चाहती क्या है। तुम घबराओ मत पुलकित भी, बाबू की तरह बहूजी भी अपने प्यार की कीमत मांग रही है हमसे, कोई भीख या दान नहीं कर रही हम पर, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, और मोल भाव तो खरीदारी के पहले ही किया जाता है ना, अब बस कीमत चुकानी रह गई। बताओ भौजी, अपनी ममता का क्या भाव लगाया तुमने? चलो मेरे साथ। गंगा सुनो, कोई भी बात बिना सोचे समझे मत मान लेना, ये लोग तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की बातों में मत आना, ओके? अपना ख्याल रखना। तू क्यों सागर, हमें यहां देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छी तरह समझती है तू मुझे, लगता तो हमें भी यही था, लेकिन आजकल रोज एक नए सागर से मुलाकात होती है। रोज रोज एक नई गंगा भी तो पहने लगी आजकल बनारस में।
बात बात पे लड़ने की आदत नहीं गई ना तुम्हारी? तू भी तो मुझसे लड़ाई करने का मौका नहीं छोड़ती। ये सब क्या हो गया? हाँ, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? ये सब हमारे बीच क्यों हुआ ये सब? हाँ बोलना, क्यों किया तूने ये सब? बोलना क्यों किया तूने ये सब? बोलना गंगा, प्लीज बता मुझे, मुझे बता तू क्यों हुआ ये सब? हम यहाँ कैसे आ गए? हम सॉरी, I know, मेरा छूना तुझे पसंद नहीं है। कहा था तूने, उन्हें हाथ मत लगाना। सॉरी, इतनी दूरी आ गई हमारे बीच, मुझसे सारे हक छीन लिए तूने, तो यहां क्यों आई है मेरे पास? भी कुछ हिसाब करना बाकी रह गया। आजा, कर ले हिसाब। चल सारा हिसाब आज खत्म कर लेते हैं। आजा, वहां क्यों खड़ी है? आ इधर बैठ, हिसाब खत्म करते हैं आज। पता कहां से स्टार्ट करना है? बोल। ये उस दिन के लिए जब हम पहली बार तुम्हारे घर आए थे और तुम्हारे कहने पर तुम्हारी जिद से हार कर अम्मा जी ने हमें घर में रोक लिया था। मुझे क्रिकेट में जान मुझकर जीतने दिया था ना तूने? ये रहे साहब। ये उस दिन के लिए जिस दिन पहली बार तुमने अपनी दादी से हमारे लिए लड़ाई करी थी। दादी, आपने गंगा को उसकी चीज क्यों दी थी? उसके पापा आए थे उसके लिए। उसकी चीजें वापस कर दीजिए। अभी क्या अभी? मठरी चुराने पर तूने मेरा नाम ना लेकर मुझे बचाया था। ये उसका हिसाब। जा। किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? जवाब दो। सागर था। बहू है मेरी, है मेरे साथ जाएगी। तू होता कौन है इसको रोकने वाला? चल। मैं नहीं जाने दूंगा इसे। वाओ, कर जाएगी। यार शिट। मैं जानवी को पसंद करता हूं। अगर ला सकते हो सागर को तो ले आओ, हम नहीं रोकेंगे।
मैं और जानवी शादी कर रहे हैं। हम दोनों ने जी भर के एक दूसरे का दिल दुखाया गंगा, कोई कम नहीं है, ना तू ना मैं, हिसाब करने में भी कोई पीछे नहीं रहा। ग्रेट नहीं सागर, अभी भी हिसाब बराबर नहीं है। तुम्हारे पास एक सिक्का ज्यादा है, चाहो तो गिन लो। उसी सिक्के का हिसाब लेने आया। सही कहती है तू, हर हाल में हिसाब सही और बराबर का ही होना चाहिए। चले। नहीं सागर, इस सिक्के से हिसाब बराबर नहीं होगा। तो क्या चाहती है तू? हम जो चाहते हैं वो दे सकोगे? एक इशारे पे मैं अपनी जान दे सकता हूँ गंगा, और तू ये बात जानती है, फिर ये सवाल क्यों कर रही है? क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो जान से भी ज्यादा कीमती। हम चाहते हैं कि तुम जानवी को वो सारे अधिकार दे दो जिसकी हकदार एक पत्नी होती है।